शिवम पांडे नाम है मेरा, और 25 तारीख को एक छात्र की हत्या करके उसके शव को रेलवे के पटरी पे फेंक दिया गया था। और आज इस घटना को 17 दिन हो गए हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई, इसी को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। नामजद FIR है, 302 की FIR भी लॉन्च है। और सबसे बड़ी बात है, इस गोंडा जिले के कप्तान और DIG, IG, DG उत्तर प्रदेश, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी सबसे मुलाकात कर चुके हम लोग। सब लोग आश्वासन दे रहे हैं कि 2 दिन में गिरफ्तारी हो सकी। जब इतने लोगों से मिलने के बावजूद भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही, तो आम लोगों को न्याय क्या मिलेगा? मेरा तो न्याय से भरोसा ही उठने वाला है। जी, अनिश्चितकालीन यहाँ से हम 2 शब्दों में कह रहे हैं, या तो अब हम लोगों की यहाँ से बॉडी जाएगी, मैं तो उठने वाला नहीं हूँ जब तक गिरफ्तारी यूपी पुलिस या गोंडा पुलिस जब तक गिरफ्तारी नहीं कर लेगी, तब तक हम यहाँ से उठने वाले लोग नहीं है, उठेंगे नहीं। छात्र पंचायत के कार्यकर्ता इस परिवार के साथ यहीं पे बैठे रहेंगे, या तो गोंडा पुलिस गिरफ्तारी कर ले, या तो हम लोगों को चले जेल में डाल दे, या तो हम लोगों को ही निपटा दे। जो गोली मारने में गोंडा पुलिस बहुत आगे है, कहीं पे 8 लाख की चोरी होती तो 9 घंटे के अंदर ये गोली मार देते हैं। और इतनी बड़ी हत्या हो गई है, अभी तक उसका खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं करें। वो दीपक सिंह इन्हें मिल जाता है खाना खाते हुए, कहते हैं कि मुझे खाना खाते हुए उसकी फोटोज मिली है। जब खाना खाते हुए आपको फोटोज मिली, ये सीधा सीधा प्रश्न जाता है कि यानी आप दीपक सिंह से मिले हैं? वैसे कैसे पता लगा आपको कि दीपक सिंह जी खाना खा रहे थे? अगर 302 की FIR लॉन्च होती है, गोंडा में कोई एक सिंपल तहरीर दे आए तो 323 भी लिखा जाता है, तो पुलिस वाले जाते हैं दरवाजे पे गाली देते हैं, उठा के लाते हैं थाने पे। और 302 की FIR लॉन्च होने के बाद भी गोंडा पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है, तो उनके कार्य पद्धति पे सीधे सीधे प्रश्न खड़ा होता है। एक डॉक्टर दीपक सिंह है, इनके नामजद है, और 2-3 मुझे लगता है अज्ञात है, उनका नाम नहीं पता, लेकिन दीपक सिंह इसमें नामजद हैं। उनकी माँ कह रही है कि मेरे बेटे को दीपक ने मारा, उनके पिता कह रहे हैं कि मेरे बेटे को दीपक ने मारा। मैं कह रहा हूँ, पुलिस कब से जज होने लगी? पुलिस क्यों डिसाइड कर रही है किसने मारा किसने? आपने FIR लॉन्च की, परिवार ने जिसके खिलाफ FIR लॉन्च कराई है उसको आप पकड़िए, लेकर जाइए न्यायालय, न्यायालय डिसाइड करेगा ना अपराधी है कि नहीं है। पुलिस SP साहब कब से डिसाइड करने लगे? पुलिस अगर जज हो गई है तो कल बताइए, हम लोग ताला मार दे न्यायालय में, न्यायालय की क्या हो सकता है अगर पुलिस जज होने लगी? जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, या तो गिरफ्तारी हो जाएगी तब हटेंगे, या तो हमारे प्राण चले जाएंगे हमारे शरीर से तब हटेंगे, दोनों में से एक हो जाएगा। हाँ, पूरा परिवार उनका बैठा हुआ है।